भगवान शंकर तो अपने प्रण को सुदृढ़ करके अखंड अपार समाधि में कैलाश पर वटवृक्ष के नीचे आसीन हो गए हैं, और सती उस कैलाश में अकेली भटक रही हैं। प्रियतम ही रूठ गए हैं, शिव ही रूठ गए हैं, तो कौन सहारा दे? शिव से अलग होकर यूं जीना पड़ेगा ये नहीं पता था। बार बार जाती है सती उस वटवृक्ष की ओर जहां भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, शायद जाग गए हो, शायद समाधि छोड़ दी हो। बार बार माथा पटकती है, इन पाषाणों में बैठकर स्वयं भी पाषाणवत हो गए हो। जागो प्रभु जागो, कैसे कैसे आपको प्रसन्न करूं, कैसे मनाऊं मैं? रो पड़ती है सती उस समय, कैसे तुम्हें मनाऊं ठाकुर, कैसे तुम्हें मनाऊं। जब बिल्कुल व्याकुल हो गई सती महारानी, तो उन राम राघव का ध्यान आया और उनके मन से जैसी चीत्कार निकली हो, राम हम दीन दयाल कहलाते हो, तेरी सुनो तेरा भगवान राम से प्रार्थना कर रही हैं, और शायद प्रभु ने उनकी सुन ली है। बड़े मधुर स्वर में किसी ने कहा, जय राम। सती को प्रियतम के आराध्य के आवाज पहचान पड़ी, दौड़ पड़ी और देखा भगवान शंकर समाधि से जाग गए थे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानू सती जगत पति जागे। भक्ति पथ के आचार्य भगवान शंकर अपनी प्रतिज्ञा को कैसे भूल सकते हैं? इसलिए इतना कहा, आओ सती बैठो, सामने बैठो, और कहा, सती सुनो, हम तुम्हें राम कथा सुनाते हैं, तुम राम कथा सुनो।